आज हम सीखेंगे एकिक विधि। दैनिक जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती है जब हमें कुछ वस्तुओं का मान ज्ञात होता है और इसके उपयोग से हम जितनी चाहिए उतनी वस्तुओं का मान प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थितियों में हम एकिक विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे एक दर्जन केलों का मूल्य पता होने पर हम आधा दर्जन यानी 6 केलों का या एक से अधिक दर्जन केलों का मान प्राप्त करते हैं। ऐसी विधि जिसमें पहले हम इकाई का मान प्राप्त करते हैं, फिर इसके उपयोग से जितनी चाहिए उतनी इकाइयों का मान प्राप्त करते हैं कहलाती है एकिक विधि यानी यूनिटरी मेथड। आइए इसे एक उदाहरण से समझे। राजू ने अपने घर के चारों ओर तार से 3 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाई। इसके लिए उसे कुल 9072 रुपए का खर्चा आया। जरा सोचिए, अगर उसे 5 पूर्ण चक्कर वाली बाड़ बनानी हो तो उसे कितना खर्चा आएगा, यह किस प्रकार पता किया जा सकता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। पता करने का सबसे आसान तरीका होगा कि पहले हम एक पूर्ण चक्कर के लिए कितना खर्चा आता है यह पता करें, और फिर इसके उपयोग से 5 पूर्ण चक्कर वाली बाड़ के लिए कितना खर्चा आएगा यह पता करें। सोचिए, एक पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाने के लिए कितना खर्चा आएगा, यह कैसे पता किया जा सकता है? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। 3 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाने पर कुल व्यय बराबर 9072 रुपए है। इस तरह से एक पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाने पर कुल व्यय बराबर 9072 रुपए विभाजित 3 बराबर 3024 रुपए। इस तरह से 5 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाने पर कुल व्यय बराबर 5 गुना 3024 रुपए बराबर 15120 रुपए। यहाँ हमने एकिक विधि के प्रयोग से 5 पूर्ण चक्कर की बाड़ बनाने के लिए कुल व्यय ज्ञात किया है। ध्यान रहे, अगर हमें एक से ज्यादा वस्तुओं का मूल्य दिया होगा तब हम उस मूल्य को वस्तुओं की संख्या से विभाजित कर एक वस्तु का मूल्य प्राप्त करते हैं। फिर वस्तुओं की संख्या और एक वस्तु के मूल्य के गुणन से जितनी चाहिए उतनी वस्तुओं का मूल्य प्राप्त कर लेते हैं। आइए इसे कुछ और उदाहरणों से समझे। जब आप किसी दुकान में जाते हो तो दुकानदार आपको एक वस्तु का मूल्य बताता है। इसके आधार पर आपको जितनी वस्तुएं खरीदनी है इनका मान पता करते हैं। यहाँ आप एक एक विधि का प्रयोग करते हैं। सब्जी खरीदने जाने पर सब्जी बेचने वाला आपको 1 किलो का दाम बताता है। इसके आधार पर आप 250 ग्राम, आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो या आपको जितनी सब्जी खरीदनी है उसका दाम पता करते हैं। यहाँ भी आप एक एक विधि का प्रयोग करते हैं। इसी तरह निम्न स्थितियों के लिए भी आप एक एक विधि का प्रयोग करते हैं। गाड़ी चालक पता करते हैं कि उनकी गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितने दूर जाती है। इस आधार पर वे पता करते हैं कि वांछित दूरी तय करने के लिए कितना पेट्रोल लगेगा। कंपनी एक दिन में कितनी वस्तुएं बनाती है, इस आधार पर महीने या साल में कितनी वस्तुएं बनाती है यह पता लगाया जा सकता है। प्रयास कीजिए, ऐसी 5 स्थितियों को याद कीजिए जहां आपने एक एक विधि का प्रयोग किया होगा। तो आज हमने सीखी एक एक विधि। अगले वीडियो में इसे कुछ और उदाहरणों से समझेंगे।